हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं थाई करी। ट्रेडिशनली थाई करी एक कैलोरी डेंस फूड है, आज हम इसका लो कैलोरी वर्जन बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं, थोड़ा सा गार्लिक, मशरूम, जुकीनी, कॉलीफ्लावर एंड बेबी कॉर्न। इसे बनाने के लिए पहले कढ़ाई में हम थोड़ा तेल लेंगे। यहाँ मैंने 5 ग्राम तेल लिया है, उसमें पहले गार्लिक को सौते किया, फिर हमने इसमें डाली बाकी की वेजिटेबल्स। अभी मैंने यहाँ पे ये वेजिटेबल्स लिए हैं, आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कैरेट्स भी डाल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो टेस्ट गुड। एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड अ लिटल बिट ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट ऐड करने के बाद आप इसको सौते कर लें। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ी देर और सौते करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा थाई करी पेस्ट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रियल थाई का थाई करी पेस्ट लिया है, आप चाहे तो कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं। जस्ट अ स्पून ऑफ पेस्ट। अभी ये थोड़ा थिक होगा, तो इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। जनरली इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद लो कैलोरीज तो आप यहाँ पे तेल भी ऐड कर सकते हैं, तेल में इस लिक्विड को भून सकते हैं। अब जब ये थोड़ा भून जाएगा, इसमें हम सारी सब्जियाँ और थोड़ा सा और पानी मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सो मैंने यहाँ पे 2.5 ml सोया सॉस लिए। इसको मिक्स करें। और अगर आप चाहें को बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं डाला बिकॉज़ उसके पेस्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिलीज़ होती हैं। नाउ हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे एंड द वेजिटेबल्स विल सिमर ऑन लो फ्लेम। देखिए यहाँ पे वेजिटेबल अभी अच्छे से सिमर हो चुकी है एंड इफ़ यू सी द वेजिटेबल्स आर अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज वेल। अभी हम इसको उतार लेंगे गैस से। यहाँ मैंने लिया है 30 ग्राम ऑफ राइस और ये बॉल राइस के ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये है हमारा वर्जन, इन्जॉय।